संयुक्त अरब अमीरात में सितंबर से शुरू हो रहे आईपीएल के मैचों में इस बार दर्शक ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह के प्रदर्शन से महरूम रह सकते हैं। भज्जी ने अभी तक आईपीएल ना खेलने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन उनके करीबी सूत्रों की माने तो पारिवारिक कारणों के चलते उन्होंने आईपीएल नहीं खेलने का मन बना लिया है। अगले सप्ताह वो इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं। 2 करोड़ में आईपीएल की फ्रेंचाइजी के साथ भज्जी का करार हुआ था। वहीं आईपीएल के 3 खिताब जीत चुकी सीएसके की टीम से सुरेश रैना भी निजी कारणों से आईपीएल से हट चुके हैं। अभी रैना का विवाद थमा नहीं था कि भज्जी ने भी अभी सीएसके को झटका देने को तैयार है। अगर रैना और भज्जी दोनों नहीं खेलते तो सीएसके की मुश्किलें बढ़ सकती है। बीते साल हुए आईपीएल में भज्जी 16 विकेट हासिल करके सफलतम कप गेंदबाजों की सूची में शामिल हुए थे। वहीं आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भज्जी तीसरे नंबर पर है। लसित मलिंगा ने सबसे ज्यादा 170, अमित मिश्रा ने 157 और भज्जी ने 150 विकेट लिए हैं। वहीं आपको बता दें कि आईपीएल 2020 की शुरुआत से पहले ही चेन्नई सुपर किंग लगातार चर्चा में है। सबसे पहले इस टीम के 2 खिलाड़ी समेत 13 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद हड़कंप मच गया था, तो वहीं इसके ठीक बाद टीम के अनुभवी और शानदार बल्लेबाज सुरेश रैना ने अचानक ही इस सीरीज में नहीं खेलने का फैसला किया। बाद में उन्होंने बताया कि अपने परिवार की वजह से उन्होंने ये फैसला किया था। वहीं अब ये कहा जा रहा है कि हरभजन सिंह भी अपने पारिवारिक कारणों की वजह से इस सीरीज में नहीं खेलने का फैसला कर सकते हैं। अगर भज्जी भी नहीं खेलते हैं तो ये एमएस धोनी की टीम के लिए दोहरा झटका होगा। इस बार आईपीएल की शुरुआत 19 सितंबर से यूएई में होनी है। खैर, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूले। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।